हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रीवियस लेक्चर को आपने देखा होगा। दोस्तों आज का मेरा ये नेक्स्ट लेक्चर है कॉम्पैक्ट सेट पे। तो दोस्तों इसके बारे में जो आज का टॉपिक्स रहेगा दैट इज हाईली हेल्पफुल फॉर द सीएसआई यूजीसी नेट गेट आईआईटी जेईई, ये तो अपना मेनली रहेगा, बट इट ऑल्सो हेल्प्स दो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग जो बीएससी में है दोस्तों, बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक्स या फिर आईएससी बेंगलोर वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी वगैरह होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग मेनली बातें करेंगे कॉम्पैक्ट सेट की और उसके जो रिजल्ट है और उसका जो अप्लीकेशन है जिस बेस पे सीएसआर यूजीसी नेट गेट आईआईटी जेम और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम लाइक एमएससी और पीएचडी के जो तो आ रखे हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आराम से ठंडे दिमाग से। बस आप लोग देखते रहें और कुछ भी क्वेरीज होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए ये कॉम्पैक्ट सेट के बारे में, कॉम्पैक्ट सेट एक्चुअली क्या है कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज और बाउंडेड होता है। तो इसके लिए एक हेन बोरेल साहब ने थ्योरम दिया। देखिए उनका क्या स्टेटमेंट है कि अ सबसेट ए ऑफ आर एन, आर एन दोस्तों क्या है, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, कितने टपल्स होंगे दोस्तों, एन टपल्स होंगे, है ना। आर टू होता है तो आप लोगों को पता है किस टाइप का हो जाता है ना, तो दोस्तों ये आर एन टपल्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो सबसेट होगा दोस्तों, उसका जो एलिमेंट होगा उसमें भी कितने टपल्स होंगे, एन टपल्स होंगे, ठीक है। तो एक सबसेट हमने लिया ए आर एन का, बोलता है इज कॉम्पैक्ट If and only if A is closed and bounded। दोस्तों क्या बोला, देखिए ये n है, n है ना greater equals to one, one के लिए भी hold करेगा, two के लिए भी, three के लिए भी। तो ये इन्होंने क्या बोला, n के लिए, n जो हमारा finite है, उतने tuples की इन्होंने बातें कर दिया। तो इन्होंने बहुत बड़ी बातें कर दिया, नहीं कर दिया, जनरली हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं क्लोज एंड बाउंडेड सिर्फ r पे करते हैं, इन्होंने r n tuple की बातें कर दिया। तो इन्होंने जो जनरलाइज केस करा दोस्तों, ये इट इज रियली हाईली हेल्पफुल इन द रिसर्च फील्ड, बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्होंने एक थ्योरम दिया। देखिए इसको बेसिकली समझ लें आप लोग कि जो ए होगा इसका सबसेट होगा दोस्तों, उसको कॉम्पैक्ट तब बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दिया हुआ है। तो रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए शुड बी क्लोज एंड बाउंडेड, है ना। अगर कॉम्पैक्ट है दोस्तों तो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा, इस साइड से अगर ये क्लोज और बाउंडेड है तो दोस्तों कॉम्पैक्ट होगा। और भी अच्छे से समझते हैं दोस्तों इसको, इफ वन ऑफ देम इज फेल्ड कॉम्पैक्टनेस इज फेल्ड, दोस्तों अगर क्लोजनेस फेल हो जाता है तो कॉम्पैक्ट भी फेल होगा, अगर बाउंडेडनेस फेल हो जाता है तो भी कॉम्पैक्टनेस फेल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन ना। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू एट अ सेम टाइम, है ना, दैट शुड बी सबसेट शुड बी क्लोज एंड बाउंडेड। इस चीज को अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लें। चलिए एक दोस्तों मैंने कुछ इसको एलिमेंट वाइज समझाने की मैंने कोशिश करी है कि ये देख लीजिए, इसमें जैसे बोलता है ए सबसेट ऑफ आर एन, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे दोस्तों ये किस टाइप के होंगे, x1 x2 डॉट 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 xn टाइप का होगा, है ना। इसमें भी n टाइप के n टपल्स होंगे, इस सबसेट में ऐसे एलिमेंट रहेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो सबसेट इसका बनेगा, इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे इस दोस्तों सबसेट के, दैट शुड बी बाउंडेड। सो बाउंडेड का क्या मतलब है दोस्तों, बाउंडेड का मतलब है कि ये वाला कंडीशंस। देखिए दोस्तों कॉम्पैक्टनेस में तो आपको पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करा था कि सबसेट रियल नंबर का कब बाउंडेड होता है, ये आपने अच्छे से लर्न कर लिया बाउंडेड सेट के बारे में, क्लोज्ड सेट के बारे में आपने पढ़ लिया। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर क्लोज एंड बाउंडेड हो जाता है जिसका एक दूसरा नाम दिया गया है कॉम्पैक्ट सेट। दोस्तों देखिए ये तो आपने देख लिया कॉम्पैक्ट के लिए बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू एट अ सेम टाइम। इसके लिए देखिए कहता है कि आर एन का कोई अगर सेट है तो उसके एलिमेंट इस टाइप के रहे होंगे, वो बाउंडेड होगा, कब बाउंडेड होगा, तो कहता है इच एक्साइज कोऑर्डिनेट वाइज हरेक जो एलिमेंट होगा दोस्तों दैट शुड बी बाउंडेड, है ना। एम क्या है, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई फिक्स नेचुरल नंबर रहेगा दोस्तों जिससे ये बाउंडेड होगा फॉर ऑल आई, है ना, आई रनिंग ओवर वन टू एन, ये बोला। एन दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट को, तो ये जरूर याद रखें, आर्बिट्रेरी नहीं है दोस्तों, ये फाइनाइट है, इसको याद रखना है कि कोई सेट सबसेट होगा आर एन का दैट शुड बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इच, है ना, एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट वाइज शुड बी बाउंडेड।
तो पहले ये बातें याद रखना है, एक तो बाउंडेडनेस की बातें आ गई है, सेकंड हमारा है दोस्तों इसमें क्लोजनेस। तो क्लोजनेस के बारे में बोलता है एक सबसेट ऑफ आरएन इज क्लोज। देखिए इफ एंड ओनली इफ, ये क्या है दोस्तों डिराइव्ड सेट है ना, ए टू द पावर, ये जो हमने डिराइव्ड सेट लिया ये क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट है ना। तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट हो जाना चाहिए, और इसके लिए हमने एटलीस्ट मुझे लगता है 25 से 30 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में करवाया है। तो रियली आप जाके उसको देखें, आपके कॉन्सेप्ट रियली बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आप वहां से अगर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं तो मुझे लग रहा है क्या ये वाला जो चीज है वो बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। बहुत सारे लेक्चरर वगैरह बोलते हैं ये टफ चीज है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स दोस्तों क्लियर है तो रियली बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। और चीजें अभी जो फिगर आउट होगी, जो डिफरेंट फिगर के थ्रू, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वे में आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिले, टचिंग वाले जो बात है वो आए आपके अंदर, ठीक है, वो फीलिंग्स आए कि यस आई हैव द गुड नॉलेज, आई हैव द बेसिक्स, आई हैव द फंडामेंटल्स, है ना, वो आपके पास आने चाहिए। चलिए इसको तो ज्यादा हम लोग लेक्चर्स नहीं करते। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बाउंडेडनेस के देखिए इफ एंड ओनली कंडीशंस दिया है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और क्लोज होगा दोस्तों इसमें भी देखिए, इफ एंड ओनली ऑफ कंडीशन ए के जो डिराइव स्टेट होगा दोस्तों क्या होगा, कंटेंड इन सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जिसमें होल्ड कर जाएगा तो दोस्तों किसमें पास हो जाएगा, कॉम्पैक्ट में। तो देख रहे हैं क्लोज के लिए और बाउंडेड के लिए, तो इस साइड से साइड जाएंगे तो दोनों कंडीशन होल्ड करता है तो कॉम्पैक्ट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, इसके बारे में बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाऊंगा जब मैं टोपोलॉजी बताऊंगा। तो रियली में ही एक कोशिश मेरी रही बहुत जबरदस्त वाला वीडियोस बन के आए, क्योंकि इसका ज्यादा मैं यूज नहीं करने वाला हूँ और इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, टोपोलॉजी के सेंस में आता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा लीव करूंगा बट समझा देता हूँ दोस्तों। देखिये किसी सेट का जो कवर होता है वो क्या होता है, तो कहता है कि जैसे हमने देख लीजिए हमारे पास सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ द कोई सेट्स दे रखा है, इसको हम लोग दोस्तों तो एक सेट का कवर कब बोलेंगे, जब ये क्या होगा कंटेंट होगा इसमें, है ना, यूनियन के अंदर। और ये दोस्तों कैसा यूनियन है, आर्बिट्ररी यूनियन है। तो ये बात आप लोग समझ ले, सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या कर रखा है कलेक्शन, सब का सारे कलेक्शन का इन्होंने क्या कर दिया है, आर्बिट्ररी यूनियन बना दिया है, और ये सेट इसके अंदर कंटेंट हो तो कहीं ना कहीं ये कवर की बातें कर रहा है, ए के ऊपर ये सारी चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनियन वाला सब इसको कवर अप कर लेगा। इसको थोड़े अच्छे से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओपन कवर जैसा नाम है ओपन, तो ओपन सेट हो जाना चाहिए दोस्तों, है ना। तो कलेक्शन जो होगा यहाँ पे इन्होंने किसकी बातें करा, कुछ नहीं बोला यहाँ पे, है ना, साइलेंट है कि ओपन है या क्लोज है, बट यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है ओपन सेट, और सारी प्रॉपर्टीज के लिए सिमिलर करें, दैट शुड बी सबसेट ऑफ दिस, है ना। बट आर्बिट्ररी यूनियन की बातें चल रही है, याद रहे आपको। देखिए दोस्तों यहाँ कॉम्पैक्ट सेट जैसे ओपन हो गया, कॉम्पैक्ट की इन्होंने बात करा कि कॉम्पैक्ट सेट को कवर अप, कवर के टर्म हम लोग कैसे बोलते हैं, तो ये सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट इफ एनी ओपन कवर, देखिए कितनी अच्छी बात बोला है, एनी ओपन कवर दिस इज रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवर, जैसे इस ये हमने आर्बिट्ररी ले लिया दोस्तों, इसको क्या करा इन्होंने कि, है ना, जैसे आर्बिट्ररी हमने लिया दोस्तों, तो इसको हमने क्या करा कि इसको रिड्यूस कर देंगे कुछ फाइनाइट सब कवर पे, मतलब इस ये जो होगा ये सबसेट होगा ये कुछ अब दोस्तों फाइनाइट सब कवर का मेंबर हो जाएगा। तो सिर्फ ये बातें अभी तक बोला है इन्होंने, इसके लिए मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छा एक लेक्चर बनाऊं, और जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें फिगर आउट करके बताऊं, अलग अलग जो टोपोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है दोस्तों उसके थ्रू मैं आने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेनली हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं अभी कॉम्पैक्ट सेट पे। दोस्तों ये देखिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा है जिसके बेस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज रियली हाईली हेल्पफुल, जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है सीएसआई नेट गेट वगैरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कहता है कि ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए, है ना, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेंट इन ए, ये तो मैंने आगे बातें भी करा था, बट इसका हाईली यूजफुल होने वाला है, यूज होने वाला है दोस्तों। और ये इफ ए इज ए डैश इज नॉट सबसेट ऑफ ए देन ए मे नॉट बी क्लोज सेट, है ना, इसका रिवर्स हो गया दोस्तों। याद रखना है क्लोज वाले केस में कि अगर बाउंड्री इंक्लूड होगा दोस्तों, बाउंड्री इंक्लूड होगा या इस टाइप का होगा लेस और इक्वल्स अगेन, है ना दोस्तों, ये इक्वालिटी है,
और दोस्तों ये वाला इसमें भी देखिए इक्वालिटी है, ऐसा रहेगा तो दोस्तों वहां पे 100% क्लोजनेस होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मैंने 99% मान लीजिए यहाँ पे कि होगा, 99% केस में ये होगा, थोड़ा सा सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे मान सकते हैं 99.9% केस में होगा, लेकिन कुछ केस स्टडी ऐसा होगा जहां पे ये फेल होगा, वो देख लीजिएगा आप लोग, अगर लोग इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वाला केस है, जैसे ये रहेगा बाउंड्री इंक्लूड नहीं रहेगा, तो ये आपको सीधा दिख रहा है कि ओपन सेट बन जाएगा। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन लाने वाले हैं दोस्तों, इस टाइप का अगर जब भी रहेगा ये वाला केस, तो ये जरूर याद रखें दोस्तों, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, यस दोस्तों ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वाला लेस देन रहेगा, लेस और इक्वल टू रहेगा, तो ये दोस्तों इस टाइप के जो भी रहेंगे अभी हम लोग देखेंगे सेट, वो इन जनरल हमेशा ही बाउंडेड होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने सेट लाया है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड वेदर अ गिवन सेट इज बाउंडेड और नॉट, ठीक है ना। सो यहां से दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो फीलिंग्स जाए, कि आपको डायरेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए कि यस द गिवन सेट इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड, आप 100% डिसाइड करके ये बात बोल सके, ठीक है ना, कि यस ये बाउंडेड है या नहीं। दोस्तों पहले ये देखते हैं, हमने आर स्क्वायर लिया है, देखिए दोस्तों ये क्या है, एक्स स्क्वायर सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ये जो हमारा सबसेट होगा कलेक्शन इस टाइप के एलिमेंट का करेगा, है ना, टपल वाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेस और इक्वल्स टू 1, दिख रहा है कि आपको ये कि जो दोस्तों ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 1 यूनिट का है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्या बोला कि लेस और इक्वल्स टू, है ना, मतलब इक्वेलिटी में ये दोस्तों बाउंड्री भी रखेगा अपने पास, और लेस और इक्वल्स टू में जितना भी अंदर का रीजन कवर कर रहा है तो सारा रीजन कवर कर लेगा, है ना। तो इसने क्या करा, अपने आप को बाउंड कर दिया, है ना, ये 1 यूनिट के रेडियस के अंदर जितना भी एरिया है दोस्तों ये बाउंडेड हो गया, है ना। इस चीज को आप थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जिसका मतलब है देखिए 1 यूनिट का है तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लेस और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 को एक्सीड नहीं कर सकता, फिर ये वाले बात आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो ये दिख रहा है कि एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लेस और इक्वल्स टू 1, वाई इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लेस और इक्वल्स टू 1, आप बना के भी देख सकते हैं, है ना, और इसको थोड़ा अच्छे से भी आप लोग कर सकते थे कि ये -1 to 1 जाएगा, और सर ये -1 to 1 है ना, इस दोनों के बीच में लाई करेगा, ज्यादा ज्यादा आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के टर्म में लिया गया तो 0 to 1, है ना, 0 to 1 0 to -1, ये सारा चीज ये कवर अप करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ज्यादा कुछ करना नहीं था, है ना, ओके। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, बाउंडेड है, आपने क्या लर्न करा दोस्तों, थोड़ा और भी अच्छा से अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, तो आपको पता है पिछले क्लास में हमने कुछ इस टाइप का वर्क करा था, ये दोस्तों क्या हो जाता है मॉड एक्स लेस इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा मॉड एक्स लेस इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना, ये मॉड चढ़ा दीजिए, मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस 1 को एक्स लाइन बिटवीन -1 to 1, तो ये दोस्तों क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सो इच एक्स साइज आर बाउंडेड, है ना दोस्तों, ये एक्स भी बाउंडेड होगा, वाई भी बाउंडेड हो गया, तो कोऑर्डिनेट वाइज बाउंडेड हो गया आर टू का एलिमेंट, सो इफ इच एलिमेंट ऑफ आर टू इज बाउंडेड, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि एंटायर जो हमारा सेट बनता है या सबसेट है दोस्तों, वो कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, इस चीज को भी आप लोग अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों ये क्या हो गया, बाउंडेड, ये दोस्तों ये देखिए ये वाला चीज है, तो ये सिर्फ क्या कर रखा है दोस्तों, बाउंड्री को कवर कर रखा है ये, इसका दोस्तों क्या है, बाउंड्री, तो बाउंड्री है, तो यही मैंने बोला था दोस्तों, आप लोग ये बात जरूर याद रखें कि ये वाला केस या ये वाला केस, ये वाला केस देखिए बाउंडेड के टर्म में ये वाला तो फील हो जाएगा दोस्तों, ये वाला रख लीजिए, ठीक है ना, ये वाला केस जब भी होगा तो बाउंडेड होगा, तो बाउंड्री इंक्लूड है, तो दोस्तों इसको बाउंड्री ले लीजिए, है ना, सिर्फ यही कवर अप इतना ही एरिया देगा दोस्तों। ये वाला देखिए, ये वाला तो ये भी तो दिख ही रहा, अंदर वाला सारा एरिया कवर करेगा, इक्वालिटी के जगह पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ले लेंगे और क्या। और दोस्तों इसमें भी दिख रहा है ना आपको कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, और क्या होगा, है ना, जब एक्स 0 होगा तो दोस्तों ये 1 रहा होगा, जब है ना दोस्तों ये प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 का केस स्टडी आ जाएगा यहाँ पे,
प्लस माइनस वन का ये कर लीजिए, फिर प्लस माइनस वन का और फिर ये, है ना। जब इसका मॉड लेंगे तो बाउंडेड बाय वन हो जाएगा, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज बाउंडेड बाय वन, सो दिस इज बाउंडेड। दोस्तों इस सेम केस ये वाला इसमें लगा दीजिए तो ये भी पास हो गया। फोर्थ वन देखिए दोस्तों, ये वाला जो बोला है यहां से तो आपको दिख ही रहा है कि सर ये यूनिट रेडियस का लेके ऊपर भाग जाइए, है ना। तो ये दोस्तों कैसा रीजन है, आपको दिख ही रहा है कि अनबाउंडेड है ना। तो कुछ भी लेंगे, एक भी एक्स आई जो एक्स का कोऑर्डिनेट लेंगे वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वन से ग्रेटर हो जाएगा। तो वन से कितना ग्रेटर है कुछ पता नहीं है, है ना। तो दोस्तों ये अनबाउंडेड आ गया, तो ये हमारा बाउंडेड नहीं होगा। सेम चीज मैंने ये फाइव यूनिट का रेडियस का लिया है तो उससे क्या होगा, तभी तो अनबाउंडेड ही होगा। दोस्तों ये वाला देखिए, ये वाला टर्म्स लेंगे तो ऐसे सिमिलर केस यहाँ पे भी आप लगा दीजिएगा कि एक्स लाइन बिटवीन जीरो टू वन, है ना, मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ एक्स लाइन बिटवीन लेसर इक्वल टू वन आ जाएगा, तो माइनस वन टू वन के बीच में लाई करेगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स लाइन लेसर इक्वल टू वन, फिर वाई वाला केस भी लेसर इक्वल टू वन हो जाए, बोथ आर बाउंडेड, सो दैट शुड बी बाउंडेड, सो डेफिनेशन इज ट्रू, है ना, इन दिस केस। दोस्तों ये वाला केस हमेशा ही होल्ड करता है, आपने देखा हमेशा ये केस वाला, जब भी दोस्तों ये आया, ये वाला केस आया, है ना, ये केस दोस्तों, और ये केस, है ना। इसने ये डिसाइड करा कि जब भी इवन पावर होगा दोस्तों, इवन डिग्री का रहेगा, है ना, बोथ शुड बी इवन, तो हमेशा ही दोस्तों क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये कंडीशन आना चाहिए, ये हो या ये वाला, है ना, ग्रेटर इक्वल टू नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों यहां से आप लोगों को क्या पता चला कि कोऑर्डिनेट वाइज अगर डिग्री ऑफ इच कोऑर्डिनेट क्या हो दोस्तों, इवन डिग्री का रहेगा, तो उस केस में हमेशा ही जो हमारा सेट बनेगा आर एन का या आर स्क्वायर का, दोस्तों अभी ये टू पे पूछा, थ्री पे भी पूछ सकता था, आर क्यू लेता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस और इक्वल टू, तब भी हम लोग ऐसा ही काम करते, ठीक है ना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, चूंकि जब भी हम प्लेन में काम करते हैं तो चीजें हमारे है ना रियल वर्ल्ड में दिखता है। थर्ड के डिग्री थ्री पे लेते आर थ्री आर फोर, तो ये सब दोस्तों है ना फेज स्पेस में चला जाता है, तो वहां पे आपको चीजें दिखेगी नहीं। कर सकते हैं, करने का तो कर ही सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को आप बाउंडेड कर सकते हैं या अनबाउंडेड करके आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पिक्चर नहीं दिखेगा, है ना, ठीक है दोस्तों। तो और भी क्वेश्चंस लेते हैं, पहले तो यहां से आप एक जनरलाइज कर लें बात को, क्योंकि सेवंथ रिजल्ट जो है वो कहता है कि दोस्तों इस केस में इवन डिग्री के केस में हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर एट है, तो आराम से ठंडे दिमाग से दोस्तों समझना है यहाँ पे, मुझे उम्मीद है अभी तक के कॉन्सेप्ट रियली में ही आपके क्लियर हुए होंगे। दोस्तों ये देखिए इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो किस टाइप से बनेगा, एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, बहुत बेसिक है, अगर आप गौर से करें तो ये 12th स्टैंडर्ड का है ना, अगर IIT JEE वगैरह का बुक अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो ये बहुत बेसिक चीज है। ये दोस्तों क्या है वाजिब में देखिए, दोस्तों ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर, है ना, यूनिट रेडियस का दोस्तों ये सब स्क्वायर बन जाएगा। चलिए यहां से आपको क्या दिख रहा है दोस्तों कि एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे है ना एक्स लाई बिटवीन माइनस वन टू वन। फिर दोस्तों देखिए वाई भी क्या है, माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, इच कोऑर्डिनेट इज है ना बाउंडेड, सो सेट शुड बी बाउंडेड। तो दोस्तों ये सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। दोस्तों एक बात जरूर याद रखें कि कोई सा ऐसा अगर क्लोज्ड फिगर बन जाता है और आपको बातें करता है कि लेस और इक्वल टू की बातें करता है दोस्तों, बाउंड्री को इंक्लूड करें या फिर विद इन की बातें करें बाउंड्री के विद इन, तो दोस्तों उस केस में 100% ये पास होता है। लेकिन ये याद रहे दोस्तों कि उसका जो डिग्री होना चाहिए ना दोस्तों, इस कोऑर्डिनेट का डिग्री दैट मस्ट बी इवन। ये चीज देखिए अभी कितना तहलका मचाएगा, ये आपने आपके कॉन्सेप्ट को हो सकता है बहुत ही ज्यादा कुछ अलग लेवल पे थिंकिंग को लेके चला जाए। जनरली दोस्तों हम मॉड को इवन डिग्री के सेंस में लेते हैं, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो आपको शायद मुझे लग रहा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा अलग दोस्तों और भी, जैसे देखिए सीएसआर नेट का एक प्रॉब्लम आया था, ऐसा ही चीज दे दिया था उस टाइप का, हम लोग उसको कुछ क्वेश्चंस उसको भी रखेंगे दोस्तों। लाइक अगर ऐसा है ये दिख रहा है आपको एलिप्स है ना, तो एलिप्स है बाउंडेड बाय वन है, तो ये सब भी बाउंडेड हो जाएगा। इस पे तो ज्यादा मुझे नहीं लग रहा ये सब में ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा,
बट ये नाइन्थ नंबर से देखिए दोस्तों, यहां से हो सकता है आपको कुछ अलग टाइप से थिंकिंग लेवल आए और अलग टाइप से आप लोग इसके बारे में शायद पूछना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता नहीं है दोस्तों, ऐसा ही होगा। यहां से जरूर आप ध्यान से देखें, क्योंकि देखिएगा अगर टाइप नंबर वन जो हम लोगों ने दोस्तों अभी करा, उसमें हमने ज्यादा करके वो सारे क्वेश्चंस उठाए, उस सारे प्रॉपर्टीज, उस सारे टाइप्स की बातें करा, जहां पे क्या हो रहा था दोस्तों कि सेट हमने देखा कि जनरली वो बाउंडेड हो रहा था, जनरली वो बाउंडेड हो रहा था, हमने कुछ ऐसा केस लिया था। नाउ कम टू दिस केस टाइप नंबर टू दोस्तों। टाइप नंबर टू में आप लोग देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। यहां से थोड़ा ठंडे दिमाग से जरूर आप लोग देखिएगा इस चीज को दोस्तों। ये देखिए कि x और y बिलोंग्स टू r स्क्वायर, x प्लस y लेस और इक्वल टू 1 दोस्तों। अगर चाहे फिगर आउट करके भी करेंगे तभी ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। फिगर आउट करके भी देखेंगे तभी आपको ये देखना स्टार्ट कर जाएगा कि ये जो चीज है वो अनबाउंडेड है। फिगर के भी थ्रू में समझा देता हूं दोस्तों, और ऐसे हम रफली भी आपको ये कर देते हैं, क्योंकि प्लेन में बताना कोई बड़ी बात नहीं है, प्लेन में तो इजी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होगा दोस्तों, है ना, 3D में बातें करेगा या फिर फेज स्पेस चार प्लेन जो है ना, हायर डिग्री पे बातें करेगा तो वो प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ देखिए x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 1। यहाँ पे दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से तो ग्राफ के भी थ्रू में समझाता हूँ और एक रफली समझाता हूँ दोस्तों। अगर आपका मन है कि चलो सर x का वैल्यू हमने n ले लिया, ठीक है ना, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको x प्लस वाई का सम क्या चाहिए दोस्तों, 1 चाहिए या उससे लेस होना चाहिए, और y का दोस्तों हमने 1 माइनस n ले लिया। अब देखिए यहां से क्या बन रहा है दोस्तों आपको कि x प्लस वाई का वैल्यू है ना 1 बन रहा है, या 1 लेस और इक्वल टू किसी को रख ले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, है ना, कि लेस और इक्वल टू इसका सम 1 बन रहा है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अब है, क्यों, क्योंकि n तो आपने आर्बिट्ररी चूज किया है, कैन बी एनीथिंग, तो n तो दोस्तों बाउंड नहीं है। सो व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन दिस गोज टू अनबाउंडेड, व्हेन दिस टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस गोज टू अनबाउंडेड, तो आपको क्या मिल रहा है कि कोऑर्डिनेट जो दोस्तों है अब वो बाउंडेड नहीं रह गया। आर यू गेटिंग दिस वन, बिकॉज आपको क्या चाहिए, बाउंडेड के लिए इच कोऑर्डिनेट शुड बी बाउंडेड, है ना, शुड बी बाउंडेड बाय एनी फाइनाइट नंबर ऑफ द रियल नंबर्स। बट यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों अब ये बाउंडेड नहीं रह गया, कैसा हो गया दोस्तों, अनबाउंडेड। आर यू गेटिंग दिस वन, तो दोस्तों ये वाला जो केस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को तो जरूर याद रखें। इसके थ्रू तो आपको पता लग गया कि सर इसकी जो, तब तो इसका मतलब हो गया कि बाउंडेडनेस फेल हो गया, यस फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसको अलग सेंस में मैं समझाता हूं ग्राफ के टर्म्स में। चलो ये तो बातें आपको समझ में आ गई कि सर हम लोग ऐसे थिंक कर सकते। इसको बताना इसलिए जरूरी था दोस्तों कि 2 डिग्री में दोस्तों, ये 2 डिग्री या आर्क प्लेन पे ये चीजें सर समझाना बहुत बेसिक्स बात कह सकते हैं आप लोग, बहुत फंडामेंटल्स है, लेकिन हायर अलग फेज प्लेन की बातें करेंगे 6, 7, 8 या वहां हो जाएगा तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए ये इस चीज को रखना थोड़ा जरूरी था दोस्तों। ये देखिए ये वाला अगर आप लोग इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 1 रह जाएगा, और x प्लस वाई देख लीजिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू 1 है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 0.1 बनेगा और ये 1.0 हो जाएगा, तो ये आपका बन गया। तो आप एक लाइन पहले बना दीजिए, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, अब इसने क्या कहा, लेस और इक्वल टू 1, तो ये चलेगा, क्यों, देखिए x और y दोनों का वैल्यू दोस्तों 0-0 पुट कर लीजिए, देखिए ओरिजिन आ रहा है कि नहीं, इसमें पुट करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, x plus y becomes 0-0 is less or equal to 1, ठीक है, तो ये conditions मतलब 0 को इंक्लूड कर रहा थी, ये वाला हमारा है ना, ये प्लेन दोस्तों आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों ये कहां जा रहा है, इज इट बाउंडेड, नो, है ना, ये अपने LPP में भी अच्छा से पढ़ा होगा, तो ये जब बाउंडेड ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये अनबाउंडेड है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आपको अच्छे से फिगर आउट करने के बाद अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो ये बात है दोस्तों, ये वाला टर्म्स क्लियर हो गया। चलिए ये दोस्तों ये हो गया हमारा, ये हमने करवा दिया। देखिए प्रॉब्लम यहां पे भी है इसको, x प्लस वाई को सुमन ले लिया आपने, बोलोगे सर इसका तो सिर्फ बाउंड्री मिल रहा है, ये तो हो जाना चाहिए। देखिए क्या प्रॉब्लम है, x प्लस वाई को सुमन करेंगे तो यही वाला आएगा 0.1, 1.0। नाउ अब ये बोलता है कि ये कहां जा रहा है,
ये जो दोनों साइड में जो रेज आ रहा है इज इट बाउंडेड, नो, तो दिख रहा है दोस्तों कि ये बाउंडेड नहीं है, तो ये भी बोलेंगे बाउंडेड नहीं है, केस वैसा ही लगा दीजिएगा। सेम टू सम क्विक एक्स इक्वल टू एन वाई इक्वल टू वन माइनस एन, जो भी लेने का मन करेगा यहाँ पे लिख दीजिए एन, इसमें लिख दीजिए फाइव माइनस एन, यहाँ पे फाइव कर दीजिए, जो मन करे सो कर लीजिए आप लोग, है ना। चेक कर लीजिए इज इट बाउंडेड नो, इज इट बाउंडेड नो, बस एक भी कोऑर्डिनेट फेल हो गया, बाउंडेडनेस बोलता है कि एम आई बाउंडेड नो, तो खत्म है, एक भी बाउंडेडनेस खत्म, एक भी बाउंडेड खत्म हो गया, तो खत्म हो गया एंटायर सेट, तो दोस्तों ये भी गायब हो गया, ठीक है ना। अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहां तक। नाउ कम टू द थर्ड वन दोस्तों, सेम केस देखिए, इसका डिग्री वन है, डिग्री वन है, यही कमाल का चीज होने वाला है टाइप नंबर टू में, इसलिए मैंने टाइप करवा दिया है कि आपको चीजें समझ में आए, कि टाइप नंबर वन में सर ने करवाया था कि इवन डिग्री वाला जो भी हो रहा था, लेस और इक्वल टू या इक्वेलिटी वाला जहां पे कंडीशंस था, वो सब क्या हो रहा था दोस्तों, बाउंडेडनेस हो रहा था, बाउंडेड हो रहा था, लेकिन और डिग्री में बहुत बड़ा लफड़ा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस बेसिक्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों ये देखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू लेस और इक्वल टू वन, ये वाला जो केस लेंगे तो क्या बनेगा, आप लोग चाहें तो दोस्तों आप अपने कॉपी पे वाई क्यू इक्वल टू लेस और इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यू का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ना कुछ दोस्तों देखिएगा कि डेसिमोस ऐप का यूज कर लीजिए, है ना। तो क्या कौन सा ग्राफ होता है जो वन और थर्ड में सिमेट्रिक होता है दोस्तों, एक बार आप लोग दोस्तों ट्राई कर लीजिएगा, तो उसमें भी क्या होगा, वो लोग अनबाउंडेड बनेगा, करके देख लेते हैं यहां से दोस्तों। एक्स दोस्तों, अगर एक्स का वैल्यू मैंने एन रख दिया, वाई का वैल्यू वन माइनस एन रख दिया, मैं ठीक कर रहा हूं दोस्तों, नहीं, वन बाय थ्री रख दीजिए दोस्तों, इसको भी वन बाय थ्री रख दीजिए, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक्स क्यूब करेंगे दोस्तों तो इसका क्यूब क्यूब खत्म एन हो जाएगा, वाई क्यूब करेंगे दोस्तों तो इसका क्यूब, है ना, खत्म हो गया वन माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, एन प्लस वन माइनस एन बिकम्स वन, है ना। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, इज इट एनी प्रॉब्लम, नो। आप लिमिट लेंगे तो ये दोस्तों क्या होगा, इन्फिनिटी, ये इसको भी लिमिट लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, सो बोथ आर बाउंडेड, नो, वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो एंटायर सबसेट शुड बी फेल्ड, है ना, तो उसकी बाउंडेडनेस हमेशा ही खत्म हो जाएगी, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो दोस्तों ये भी कर सकते हैं, सो बाउंडेडनेस इज फेल्ड। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात के आपके अंदर फीलिंग्स गई होगी कि जब भी और डिग्री वाला होगा तो बहुत बड़ा लफड़ा क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप घर पे जाएं, डेसिमोस ऐप का यूज करें और डिग्री वाले और इवन डिग्री वाले का कम से कम टू डिग्री प्लेन में आप फिगर आउट करने की कोशिश करें कि वो बाउंडेड, उसका जो शेप बन रहा है दैट इज बाउंडेड और नॉट, ये आपको एक क्लियर कट, एक अच्छा क्या कह सकते हैं कि एक नोशंस देगा आपको, एक आइडियाज देगा कि चीजें किस तरह से फिगर आउट हो रही है दोस्तों। ये सेम केस देखिए, थ्री डिग्री का लिया मैंने, इसी को मैंने जनरलाइज कर दिया कि सर और डिग्री का, आपका मन है कुछ और कर लीजिए, आपका मन है 99 कर लीजिए, y टू दी पावर 99, कुछ और मन है तो कुछ और कर लीजिए, है ना, यहाँ पे कुछ मन होगा और तो और करने का तो वो कर लीजिए दोस्तों। ये लेस और इक्वल टू मैंने वन कर दिया, ठीक है, तो अगर आपका मन होगा कि सर यहाँ पे रख दीजिए 501 तो रख लो 501 दोस्तों, यहाँ पे हमारा मन है कि 50 कर लें तो 50 कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहां से काम करते हैं, एक्स इक्वल टू एन टू दी पावर 1/99 मैंने रख लिया, वाई वाला क्या रखेंगे वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, 50 है तो कैन आई राइट 50 माइनस एन टू दी पावर दोस्तों कितना 1/501। ये दोस्तों ये जो वर्किंग रूल है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, जब भी आप हायर स्टडीज में पढ़ते हैं तो आपके पास ये थिंकिंग एबिलिटी जरूर है ना कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमको हायर प्लेन पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे, क्या हमारी थिंकिंग स्किल होनी चाहिए बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस के बारे में। तो दोस्तों ऐसा मैंने करा, आप कर दीजिए एक्स टू दी पावर 99 सर ये कैंसिल आउट हो गया तो दिस बिकम्स एन, है ना, ये हो गया वाई टू दी पावर 501 कैंसिल आउट, क्या बना दोस्तों 50 माइनस 1 सो बोथ आर कैंसिल आउट एंड गिव्स 50 इज दिस 50 ओके सर बोलोगे लेस और इक्वल टू सो राइट डाउन लेस और इक्वल टू बट प्रॉब्लम इज हियर when you are limit and tending to infinity this gives unbounded set, when limit and tending to infinity this gives unbounded set, if one of them coordinate violates to the, having the bounded so entire condition should be failed, to ek bhi fail ho gaya to entire set should be failed, to dosto ye fail ho gaya, theek hai।
दोस्तों ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप घर पे जाके जरूर 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 आप डेस्कनोट्स ऐप का यूज करें, बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेगा। अगर कोई और भी अच्छा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी टाइप का कुछ अगर है दोस्तों तो उस ग्राफ का आप यूज करें, आपको ये बहुत ही क्लियर कट देगा। चीजें यहाँ तो नहीं दिख रही है दोस्तों, ये वाला टर्म्स है ना कि हम ग्राफ को प्लॉट करके नहीं बता रहे आपको, ठीक है दोस्तों इसको जरूर प्लॉट करें। चलिए दोस्तों यहां से ये बातें आप जरूर याद रखें, ये वीवीआई कर लें इस चीज को, और इस चीज को हमेशा याद रखें दोस्तों कि एक्स टू द पावर ऑड डिग्री प्लस वाई टू द पावर ऑड डिग्री चाहे लेस और इक्वल टू हो या इक्वल है ना, सिर्फ लेस देन हो, स्ट्रिक्टली लेस देन हो, किसी भी फाइनाइट नंबर से हमेशा दोस्तों 200% हो, क्या होगा दोस्तों अनबाउंडेड। ये मैंने सारा केस आपको समझाया है, ठीक है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी फाइनाइट नंबर रख लीजिए यहाँ पे, जो मन है एम रखना है एम रख लीजिए, एम एम कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे भी आपका मन है तो कुछ भी कुछ से है ना बाउंडेड कर दीजिए जो मन है, और इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है दोस्तों यहां से आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि ऑड डिग्री, एक चीज और मैंने नहीं समझा है, एक चीज और समझाना है। देखिए बोथ का ऑड डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लिए कि सर इसका तो जनरलाइजेशन ही हो गया, तो ऑड डिग्री वाला दिखेगा 200% मारना है अनबाउंडेड है ना बाउंडेड से, लेकिन वन ऑफ देम इस कोऑर्डिनेट का जो डिग्री होगा दोस्तों अगर एक भी ऑड डिग्री का हो जाएगा तो उस केस में भी दोस्तों इसको याद रखना है कि अनबाउंडेड होगा, ये भी जरूर याद रखें। फर्स्ट केस में था क्या दोस्तों कि इच कोऑर्डिनेट हैज डिग्री इवन एंड दैट, और वो सेट कैसा था दोस्तों, या तो स्ट्रिक्टली लेस देन था या स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल टू था, तो वो क्या हो रहा था बाउंडेड हो रहा था। इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन के साथ ये फेल हो रहा है, ग्रेटर इक्वल टू दे देगा तो सोचने वाली बात है, वो तो हमेशा ही फेल होता है, तो खत्म ही है बाउंडेडनेस प्रॉब्लम, तो इसको इस पे है ना, ऑड डिग्री होते हुए भी इधर से बाउंडेड होते हुए भी ये बाउंड नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम तो इसको है, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो आपको जनरलाइज बातें हो गई कि इच डिग्री इच कोऑर्डिनेट हैज डिग्री ऑड एंड स्टिल ऐसा दिया हुआ है लेस और इक्वल टू साइन, तब भी वो अनबाउंडेड हो रहा है, पहली बातें हो गई, यहां से ये बातें आपको जनरलाइज हो गई, और ये रियली काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा चीजों को है ना एक नोशंस के लेसेंस डेवलप करने के लिए। दोस्तों एक केस और जरूर मैं बताना चाहूंगा ऑड और इवन वाला, तो थोड़ा उसको जरूर मेमोराइज रखें दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 13 नंबर मैंने लिखा, इस टाइप का लिख दिया, ये सब तो पागल बना रहा है, जिसके अंदर ये चीजें समझ डेवलप हो गई कि चीजें कैसे होल्ड कर रही है, हाउ दे आर वर्किंग, तो इसको ये क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, फिर भी दोस्तों मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। दोस्तों ये वाला देखिए, इसमें क्या है सबका डिग्री ऑड दे दिया है, तो समझ में आ गया कि ऑड डिग्री दे दीजिए, यहाँ पे जीरो कुछ भी रख दे, 2000 रखे, 5 करोड़ रख दे, आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील कर सके है ना, जीरो रख के क्या ये कहना चाह रहा है कि हमसे नहीं बनेगा। दोस्तों ये देखिए आपका मन था सर यहाँ पे रख दीजिए एन, यहाँ पे रख दीजिए जीरो है, यहाँ पे रख दीजिए माइनस एन, और सब कोऑर्डिनेट को सर फिक्स कर दीजिए जीरो 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 जीरो, आपके पास तो चॉइस है, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव आर्बिट्रेरली मेनी चॉइसेस फ्रॉम द रियल नंबर, दे ऑल आर कम्स फ्रॉम द रियल नंबर एंड यू हैव अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस। किसी का मन है सर ये तो फालतू का ड्रामा कर रहा है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो ऐसा कर लो, आप लोग जैसा मन करे वैसा करो आप, ठीक है ना, बट आपके पास वो फीलिंग्स जाए कि यस चीजें ऐसे हो रही। किसी का मन है सर ये दो ही कोऑर्डिनेट, हम वी कैन ओनली चूज द फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रॉम द गिवन सेट्स, नो यू हैव अप टू एन माइनस चॉइसेस, आप इतने चॉइस में किसी को इसको रख लो इसको रख लो इसको रख लो एन इसको रख लो माइनस एन और सारे को जीरो कर दो है ना, वो भी हो सकता। किसी का मन है सर ऐसा कोई जरूरी है जीरो जीरो ही करे, हमारा मन है कि एक्स वन को एन रख दे, एन को माइनस एन रख दे, एक वाले को वन कर दे, एक वाले को माइनस वन कर दे और सबको जीरो कर दो, तो कर दो, मेरी बात समझ में आ रही है। बट व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट, व्हेन यू आर टेकिंग एनी फाइनाइट नंबर देन देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज एट द अनबाउंडेडनेस कंडीशन व्हेन यू आर टेकिंग एन टाइप्स एलिमेंट्स, समझे, प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे है इसको है ना,
प्रॉब्लम कहां पे है, एन पे है, क्योंकि एन को बोलेगा एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव व्हेन यू आर टेकिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन इट गोज टू द अनबाउंडेडनेस कंडीशन, दिस गिव्स द रिजल्ट व्हाई दिस सेट इज अनबाउंडेड। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात है आपको बहुत फीलिंग्स दिया होगा कि यस सर हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव, तो आपके पास कितनी चॉइसेस है। When you are talking about the entries comes from set of real number and they are saying how many choices, we have uncountably many choices, you can pick any real number, irrational, rationals, कुछ भी पिक कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने फाइव इंटीजर ले लिया तो बच्चा वाला मैंने काम कर दिया, यू कैन टेक एनी रियल नंबर, जो भी काम करने का मन आपका करे कीजिए, 0.1 प्लस एन माइनस 0.1 माइनस एन, टेक दीज and cancel out, don't both should be cancel out, n tending to infinity goes to कहाँ दोस्तों, unbounded, infinity is not the member of real number, that's why this set should be unbounded, if each coordinate, one of them coordinate violates to the having the boundedness as finite, तो एक भी fail, तो पूरा का पूरा set दोस्तों कैसा हो जाएगा, fail हो गया। This is the notion, this is the main idea behind giving the such types of subset. मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और इस चीज को बिल्कुल फीलिंग्स के साथ रखना है और ऐसा धमाका करना है कि ये समझ में आए कि यस है ना, वी हैव द नॉलेज, वी हैव द एक क्रिटिकल कट, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीजें ऐसे हो रही है। बट दोस्तों ये याद रहे, ये वॉट डिग्री के लिए मैंने कराया है, समझदारी होना बहुत जरूरी है और समझदारी को यूटिलाइज एप्लीकेशन करना ये अलग बातें हैं, तो ये जरूर आप याद रखें कि वॉट डिग्री में ये करना बहुत ईजी बात है, इवन डिग्री में हमेशा 99% केस में दोस्तों वो बाउंडेडनेस सेट देता है आप, इसलिए मैं बोलता हूं आप जाके डेसिमो से आपका एप्लीकेशन कीजिए, वहां पे आपको पता है कि चलेगा कि वो ऑलमोस्ट हर एक केस में कैसा देता है दोस्तों, बाउंडेडनेस दे देता है कंडीशन बाउंडेड वाला, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता, ये आपने देखा डिफरेंट केसेस मैंने लेके काम करा, ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बातें हो गई, तो इस चीज को जरूर, ये 13 नंबर देखिए कितना 13 नंबर इंपॉर्टेंट चीज है ना, गैलवाज साहब के है ना लाइफ से जुड़ी हुई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और 13 नंबर पे आए, गजब है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत ज्यादा अच्छे वाली समझ में आई होगी, एकदम इस चीज को अगर आप पकड़ लिए दोस्तों, यहां से आपको पकड़ में आ गई, यहां पे 5 दे देगा, 10 दे देगा, जो भी देना होगा वो दे दे, ठीक है ना, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगी, नाउ कम टू दिस पॉइंट्स, और मैंने एक और क्वेश्चन बोला कि इफ वन ऑफ देम इज ऑफ वॉट डिग्री एंड सेकेंड वन इज ऑफ द इवन डिग्री, देन हाउ इट वर्क्स, तो दोस्तों ये कैसे काम करेगा, लाइक दोस्तों अगर ये बोलता है कि एक्स वाई कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर एंड लाइक इट सेज एक्स द डिग्री ऑफ एक्स इज ऑड and one of them is even and lesser equals to कुछ 5, 10 कुछ भी finite number दे दे, इसके बारे में भी देख लीजिए दोस्तों यहां पे भी बहुत ड्रामा होने वाला है, इसको देखने के बाद तो मन ऐसा लगता है बिल्कुल ये तो हो ही जाना चाहिए, हम तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी लगा देंगे सर, ये लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, lesser equals to bounded, ये हो गया bounded तो ये हो जाएगा bounded, दोस्तों समझदारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहां पे यूज होता है, सीक्वेंस सीरीज कैसे वर्क करता है, ये सब भी बातें आपके दिमाग में फिक्स रहना बहुत जरूरी है, ये याद रहे कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर टू टपल एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई ये सो इक्वल टू 900 कुछ भी दे दिया 9000 दे दिया, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, तो हमेशा समझदारी बहुत जरूरी है दोस्तों, ये तो आपको पता है ना, इसका ग्राफ भी मैंने बता दिया था ये क्या होना ग्राफ है, ये तो सिर्फ पागल बना दे और भी कुछ दे देता है, एक्स माइनस वाई का मॉड, ये वाई माइनस 10 का मॉड समथिंग देता, तब मजा आता, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता, कैलकुलेशन करना पड़ता, सोचना पड़ता दोस्तों, ये देखिए तो दिख रहा है 9000 9K में लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है, 9K,0 माइनस 9K,0 यू कैन टेक 0.9K एंड हेयर यू कैन टेक 0.-9, ये बाउंडेडनेस है, K इज द फाइनाइट नंबर सो बाउंडेडनेस, तो क्या सोचना है, तो बाउंडेड हो गया दोस्तों, प्रॉब्लम अब इसके पास है, चलिए
ये मैंने हमेशा बोला है दोस्तों, व्हाट शुड इट, ये इसको कैसे ट्रीट करते हैं, समझदारी बहुत जरूरी है। चलिए और क्या सोचेंगे, मोड ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू दिस 9k, दिस इज ऑल्सो लेसर इक्वल टू 9k, सर बोथ आर फाइनाइट एंड बाउंडेड, सो बोथ आर बाउंडेड, सो एंटायर सबसेट शुड बी बाउंडेड। नाउ कम टू दिस वन दोस्तों, यहां पे यहां से देखिए थोड़ा समझदारी यहां पे बहुत जरूरी है। आपने x इक्वल टू n ले लिया, y का वैल्यू ले लिया आपने 1 माइनस n, लेसर इक्वल टू जो मन है वो कर लीजिए दोस्तों, दोनों को सम कर दीजिए, x प्लस y बिकम्स लेसर इक्वल टू 1, इज दिस होल्ड, 200% होल्ड करता है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके पास, प्रॉब्लम तो अब है देखिए, समझ आ रहा है दोस्तों, वेयर इट इज प्रॉब्लम क्रिएटेड राइट नाउ। सो यहां पे देख रहा है वन ऑफ देम कोऑर्डिनेट इज फेल्ड टू हैविंग द फाइनाइट बाउंडेडनेस, सो एंटायर सबसेट शुड बी फेल्ड टू हैव द फाइनाइट बाउंडेडनेस, इज इट ओके दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बट यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू थिंक सच टाइप्स ऑफ द थिंग्स व्हेन वी हैव टू टेक एन और, है ना, इस टाइप का हम लोग कैसे ले, जैसे इसमें 1000 5000 कुछ भी दे देता है दोस्तों, यहाँ पे कलर ड्रामा करता है ये, सर हम लेंगे यहाँ पे 500 तो ले लो 500, तो एक्स को हमने एन ले लिया, किसी का मन है क्यों लेंगे सर, वाई को लेंगे हम, जो मन करे सो ले लो, y का वैल्यू n लेंगे, x का वैल्यू 500 माइनस n लेंगे, ले लीजिए, है ना, ले सॉरी इक्वल टू कर लीजिए जो लेने का मन हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम तो इसके पास स्टिल है। तो क्या बातें समझ में आई दोस्तों, कि इस केस में हमेशा याद रखना है, देखिए ये बोथ आर डिफरेंट थिंग, दिस इज बाउंडेड बट दिस इज नॉट बाउंडेड, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करना चाहता था, इसको देखिए क्या बोलता है, दिस इज द सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, दोस्तों ये हमारा कोई सबसेट है R2 का, बोलता है x टू द पावर है और प्लस y टू द पावर इवन लेस और इक्वल्स, दोनों समझा देते सर आपको जो अच्छा लगे, समझना है आपको ये वाला केस जो भी रखना है दोस्तों, एक्स के है ना फिर से वही ड्रामा करेगा, कुछ रख लीजिए x टू द पावर ऑड, एक भी फेल तो दोस्तों पूरे दुनिया ये पूरा सारा सेट ही काम कर जाएगा, x टू द पावर ऑड क्या रखने का मन है 5 रख लीजिए, x टू द पावर n कुछ और रख लें आप लोग, x टू द पावर दोस्तों 3 मैंने रख दिया, y टू द पावर 2 लेस देन इक्वल टू 5 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर मैंने क्या रखना है 5, तो दोस्तों उसको 5 रख दीजिए, 10 रख देते हैं, n टू द पावर 1/3, और दोस्तों y टू द पावर आप क्या रख सकते हैं y टू द पावर आप लोग क्या रखेंगे दोस्तों 01 वाला केस ना ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं y के टर्म में आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 माइनस n टू द पावर 1/2, ठीक है दोस्तों। अब कीजिए तो यहां से अब तो कुछ सोचना नहीं है, क्या सोचना है इसके बारे में, ये इन्फिनिटी तो एंटायर है ना, एक भी फेल तो दूसरा भी फेल है ना, एक फेल हो गया तो दोस्तों इसके बारे में सोचना है कुछ नहीं सोचना, वन ऑफ देम कोऑर्डिनेट इज फेल्ड सो एंटायर सबसेट शुड बी फेल्ड। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को दो चीजें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, यू मस्ट हैव द नोशन, यू मस्ट हैव यू हैड द आइडिया बिहाइंड द बाउंडेडनेस एंड अनबाउंडेडनेस, की किस कंडीशंस में ये होगा और किस कंडीशंस में ये नहीं होगा दोस्तों। टाइप नंबर 1 में दोस्तों मेरी कोशिश है कि अगला जो भी लेक्चर आएगा, अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों इस पे मेरी कोशिश रहेगी अराउंड में 75 to 80 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, रख लीजिए मोर देन 50 तो जरूर रहेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने टाइप के पॉसिबल है बीएससी से लेके सीएसआर नेट पीएचडी तक के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस सारे क्वेश्चंस को मैं कवर अप करूं, और आपके अंदर वो एक विश्वास पैदा करूं कि जहां यहां से जो क्वेश्चंस बनता है वो 100% आप देखें और टिक मार के आए, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, हम लोग ये सोचते हैं कि पेपर आएगा तब हम पढ़ेंगे एक महीने पहले, तो दोस्तों आपके पास वो रिदम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि पेपर के टाइम में हमेशा ये फीलिंग्स आ जाती है कि काश हमारे पास 3 दिन और होता तो हम ये कर जाते, हम वो कर जाते, लेकिन अभी हम कुछ करना नहीं चाहते, अभी सोचते हैं हमारे पास तो जितना टाइम है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने जो भी लेक्चर्स अपलोड किया है, दोस्तों के कमेंट्स थे कि सर आप प्लेलिस्ट में क्यों नहीं डाला करते। दोस्तों मैंने आज 4-5 प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सभी वीडियोस को डाल दिया है अलग अलग करके, तो आप जाके वहां पे जरूर देखें। और दोस्तों आप, मुझे लगता है जितना भी वीडियोज है सारे के सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आप अच्छे से लर्न करें। और जितने भी मैंने 1 मिनट के वीडियोज बनाए उसमें मेरी कोशिश है कि 7-8 क्वेश्चन वो मैंने लिया है जो आपके थॉट्स को, आपके नोशंस को, आपके जो थ्योरीज है उसको बहुत अच्छे से रैप अप करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको ना प्रैक्टिस में लाए। लेकिन दोस्तों टाइप 1 में मैंने बताने की कोशिश करी कि एक्स टू दी पावर इवन पावर हो, वाई टू दी पावर इवन पावर हो, अगर एक्स वाई टर्म्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर है ना, आर टू से आता है दोस्तों, तो और लेस ऑर इक्वल्स टू कुछ भी फाइनाइट नंबर रहेगा, तो मैंने देखा, आपने देखा क्या दोस्तों, ये हमेशा ही बाउंडेड होता है। तो इस कंडीशन में भी बाउंडेड होगा, इस कंडीशन में भी बाउंडेड होगा, ये याद रखें। ये पहला है, दूसरा ये वाला केस है दोस्तों, और थर्ड वाला ये केस। तो पेपर में जब भी मिले इस टाइप का कंडीशंस दे दे आपको, पूछे तो सोचना क्या है, क्वेश्चन दिया था सी असाइनमेंट वालों ने एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 बताइए, लेस और इक्वल टू 25, सोचना है दोनों का डिग्री इवन है और फाइनाइट नंबर से बाउंड कर रहा है, यस दिस इज बाउंडेड, क्या सोचना है। कॉम्पैक्ट बोलेगा तो कॉम्पैक्ट के लिए भी दौड़ेगा, ठीक है दोस्तों, अगर शायद मैं अभी वीडियो बना पाता हूँ एक और क्लोजनेस पे तो ठीक है, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा अगले दूसरे दिन में इस पे क्लोजनेस पे लेके आऊं। ठीक है दोस्तों, ऐसा रहेगा तो क्या सोचना है, कुछ ऐसा दे देगा, सर्कल दे दिया यहाँ पे बताइए 25/4, तो क्या सोचना है, सोचना ही नहीं है, इवन डिग्री में क्या सोचना, थोड़ा बहुत सोचते कैसा दे देता, तब सोचते सर अब नहीं हो सकता, ऐसा दे देते तब सोचते सर अब नहीं हो सकता, है ना। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 1 में मैं ये बताया दोस्तों, टाइप नंबर 2 में मैंने ये बताया कि एक्स टू दी पावर और डिग्री हो दोस्तों, प्लस वाई टू दी पावर और डिग्री। ये दोस्तों ये मत बोलिए कि सर आपने तो 2 ही वेरिएबल तक बताया है ना, आपने बात करा हेन बोरेन में आरएन तक बातें करा, दोस्तों एन इज फाइनाइट सो यू कैन टेक 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपका 50 लेने का मन है, करोड़ लेने का मन है ना, आप करते रहिए। जिसको 2 आ गया दोस्तों उसको 1 करोड़ 1 अरब भी आ गया, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। एक्स टू दी पावर वर्ड प्लस वाई टू दी पावर वर्ड लेस और इक्वल टू 1, तो ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ना, कौन ऑड डिग्री बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये याद रखें, इसका नाम रख दीजिए ओडी। ओडी मतलब और डिग्री क्या है दोस्तों, ड्रामेबाज ओडी। और इसको भी याद रखने का मन है तो इसको भी रख दीजिए बीई, बैचलर इन टेक्नोलॉजी मत पढ़िएगा बैचलर, इसको उल्टा पढ़ दीजिएगा ईबी या बीई, ईबी रख लीजिए। इवन डिग्री होगा तो हमेशा ही बाउंडेड होगा, और डिग्री रहेगा तो ड्रामा करेगा, ड्रामा करेगा तो देख लीजिए कैसे ड्रामा करता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका याद रखिएगा वन ऑफ देम इज ऑड, है ना, वन ऑफ देम इज दोस्तों ऑड डिग्री, चाहे ये वाला कंडीशंस रहे, ये वाला रहे या ये वाला रहे, तो ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये ड्रामा करेगा, ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर याद रखिए। मेरे कहने का मतलब ये देखिए ना कि एक्स टू दी पावर एक्स वन पे पावर कुछ रख दिया, एक्स टू पे पावर एन प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 5 अरब रख दिया, 5 अरब लेस और इक्वल टू एम, और इस पे पावर रख दिया कुछ जो मन आपका रख दीजिए एम, ठीक है। इस सबको बोला सर हम इवन हैं, हम इवन हैं, और ये चुपके से बोल दिया सर हम तो ऑड हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा ड्रामा। वन ऑफ देम इज ऑड क्राइटेरिया शुड बी फेल्ड ऑफ हैविंग द बाउंडेडनेस, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मुझे उम्मीद है ये चीज एंटायर थिंग आपको रियली में ही समझ में, एक्चुअली दोस्तों मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं था तो मैं भी ज्यादा करके कंटेंट है ना तैयार नहीं कर पाया अच्छे से ठीक ढंग से, तो शायद पिछले वाले लेक्चर उतना है ना एक साउंड नॉलेज के थ्रू नहीं डिलीवर कर पाया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, शायद मैं आज क्लोजनेस पे बना पाऊं,
चूंकि मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लेके चल रहा हूं, तो मेरी कोशिश है कि कॉम्प्लेक्स के पीवाइज क्यू भी करवाते चलूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आपको समझ में आया टाइप वन एंड टाइप टू तो कमेंट करके जरूर बताएं। रियली इससे मेरा हौसला बढ़ता है कि यस है ना, मुझे काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बात जरूर मैं बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं है ना, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्तों रहे हैं डीओज में जिनको ये एजुकेशन नहीं मिल पाई। ठीक है, जिस तरह से आज हमारा यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं उनको जरूर शेयर करें। ठीक है, जरूर जरूर शेयर करें, उनको रियली में ही काफी ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए सीएसआर नेट गेट के तैयारी के लिए 50,000-60,000 का कितना ज्यादा अमाउंट है ना इंस्टीट्यूट वगैरह ले रहे, तो बहुत सारे दोस्त जो वर्किंग हैं या फिर नॉन वर्किंग हैं तभी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जरूर उनको जरूर दोस्तों फॉरवर्ड करें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज प्लीज करके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आप जहां पे भी हैं दोस्तों, रियली बहुत अच्छा करें, मेहनत करें और जिंदगी के प्रति हमेशा ही ऊर्जावान रहें, आशावान रहें, अपने उम्मीद को मत तोड़ें। थोड़ा पेपर वैसा चला गया तो बिल्कुल घबराना नहीं, अभी से लगे रहिए, बिल्कुल अभी से सोच लीजिए कि मुझे निकालना, आई हैव टू क्रैक राइट नाउ। ठीक है, दूसरे को मत देखिए कि क्या कर रहा है, टेक देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये मत कहिए कि हमको अगले साल निकाल लेंगे, ये साल निकाला, अगले पे तो छोड़िए ही मत। अभी 3 महीने के अराउंड का टाइम है, अभी से लग जाइए और फोड़ दीजिए। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं फुल के फुल करवाने की कोशिश करूंगा, वो डेफिनेटली ये दोस्तों आपको हेल्प करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो भी नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों प्लीज प्लीज करके सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और इतना हमें प्यार दिया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।